लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप हॉर्स राइडिंग के शौकीन हैं तो अलर्ट रहने की जरूरत है। घोड़ों में एक ऐसी बीमारी फैल रही है जो लाइलाज है। डॉक्टरों के अनुसार घोड़ों से ये बीमारी उसके सवारों या पालकों को भी हो सकती है। अभी इस बीमारी की कोई दवा नहीं बनाई जा सकी है। इससे ग्रसित घोड़ों को जहर का इंजेक्शन देकर मारने का काम पशुपालन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसको लेकर अभियान चलाकर इस बीमारी से ग्रसित जानवरों को चिन्हित किया जा रहा है। पशुपालन विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर सिंह ने बताया, घोड़े की प्रजाति के जानवरों में फैलने वाली इस बीमारी का नाम ग्लैंडर्स है। यह बीमारी लाइलाज है। अभी तक मेडिकल साइंस इसकी दवा नहीं बना सका है। इस बीमारी की चपेट में न केवल पशु बल्कि इंसान भी आ सकते हैं जो उसके संपर्क में रहते हैं। ग्लैंडर्स से ग्रसित पशुओं के चिन्हीकरण के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इस बीमारी से सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। यह रेयर अश्व प्रजाति के पशुओं में मिलता है। हालांकि चिंताजनक बात यह है कि यह बीमारी लाइलाज है। इसके संक्रमण वाले अब तक 235 पशुओं को चिन्हित किया जा चुका है, जिनमें 185 जानवरों को मारा जा चुका है। उन्होंने बताया, हर जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को टारगेट दिया गया है। उन्हें प्रति महीने अपने जिले से 20 अश्व प्रजाति के बीमार जानवरों के सैंपल राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा भेजने होते हैं। वहाँ टेस्ट के बाद यह बात कन्फर्म हो पाती है कि किस जानवर के सैंपल में इस बीमारी के लक्षण मिले हैं।